हेलो एवरीवन। तो आज लेके आए हैं बिल्कुल इंस्टेंट 5 मिनट में बनने वाला सुपर टेस्टी और बहुत ही इजी नाश्ता। इसे आप बिल्कुल झटपट से बना के तैयार कर पाएंगे और बिल्कुल घर की चीज़ों के साथ हम इसे बना रहे हैं और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतने कम टाइम में कुछ इतना अच्छा बन सकता है। बहुत ही अमेजिंग नाश्ता है। कभी कभी बिना मेहनत के जब कुछ अच्छा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। इस आलू का छिलका उतार लेंगे और अब हमें इस आलू में छेद करना है। तो ये देखिए, कांटे वाले चम्मच से कर लीजिए या फिर टूथपिक से कर लीजिए, जो भी सुविधा आपके पास हो उससे आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसी प्रोसेस से हम सारे आलू में छेद कर लेंगे। ये देखिए, आलू में छेद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कर लिया है। चलिए अब आलू को हमें तलना है। तो इसके लिए देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल पहले से रख दिया है जो कि बहुत अच्छा गर्म है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे हमें इन आलुओं को तलना है। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, एक एक करके हम आलुओं को इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल उलटते पलटते हुए इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। तो यहाँ पे देखिए, आलुओं को डाल दिया है मैंने और बिल्कुल इसे उलट पलट के तल रही हूँ मैं। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे निकालेंगे। जब आलू जो है वो गोल्डन ब्राउन होकर निकलता है तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मतलब इस रेसिपी में आलू जब इस तरह होके हम तल के निकालते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ये प्रोसेस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है बिल्कुल उलटते पलटते हुए। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसको निकाल लिया है मैंने। अब चलिए, अब यहाँ पे एक बॉल लिया है मैंने, ये देखिए, और इस बॉल में हम आलुओं को काट के और ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे देखिए, आलुओं को मैंने इसको 4 या 6 भाग में, मतलब बहुत मोटा मत रखिएगा, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके और देखिए इसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस बॉल में। देखिए, इसमें रख दिया है। अब सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं स्वाद के हिसाब से सफ़ेद नमक, क्योंकि आलू में हमने कुछ डाला नहीं है तो सफ़ेद नमक डालेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें कूटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा दरदरा कूट के रखा है मैंने, वो हम डालेंगे, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम डाल रहे हैं थोड़ा सा काला नमक। तो नमक चाट है तो स्वाद के हिसाब से ज़रूर डालिएगा, फीका मत डालिएगा। तो थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आपके पास इस जगह पर चाट मसाला है तो वो डाल दीजिए। और इसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं भुना जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, तीखा अपने हिसाब से डालिए। और इसके बाद इसमें डाल रहे हैं हम, ये देखिए, ये थोड़ी सी मीठी चटनी। अगर मीठी चटनी नहीं है तो आप, क्योंकि हम इसको इंस्टेंट बना रहे हैं तो इसमें कोई भी झंझट नहीं करेंगे हम। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि टोमेटो केचप लेके और उसमें थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालिए और थोड़ा सा चाट मसाला डालिए। अगर चाट मसाला नहीं है तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, भुना जीरा पाउडर, तीनों को मिला के अगर आप केचप में ऐड करेंगे तो वो चाट में डालने पर बिल्कुल सेम मीठी चटनी का टेस्ट आ जाता है। तो इसको डाल दिया है मैंने और थोड़ा सा बारीक वाला लाल मिर्च पाउडर हम डाल रहे हैं यहाँ पर, बहुत थोड़ा सा। तो तीखा बिल्कुल अपने हिसाब से डालिएगा और इसको डाल के बिल्कुल इन सबको बहुत ही अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करेंगे सब में और इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक प्लेट में। ये देखिए, इस प्लेट में मैंने रख दिया है। अब सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं डालना भूल गई, यहाँ पे मूंगफली के दाने। इस रेसिपी में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चाहे तो और भी बढ़ा के डाल सकते हैं। तो मूँगफली के दाने, भुनी हुई मूँगफली के दाने मैं थोड़ी सी डाल दे रही हूँ। और इसके बाद हम डालेंगे दही, देखिए फेटी हुई दही है वो डालेंगे, थोड़ी सी मीठी चटनी डाल देंगे, ये देखिए, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। और अब सबसे लास्ट में डाल रहे हैं इसमें सेव भुजिया। और यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला, बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी चाट, जो कि हमने बिल्कुल 5 मिनट के अंदर इसको बना के तैयार किया है और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। इसको ज़रूर बना के देखिए। हमने जो आलू को तला है उससे इसका टेस्ट जो है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। और बिल्कुल 5 मिनट में आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि हमने इसे बिना झंझट के इतनी जल्दी बनाया है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। शाम के नाश्ते में अक्सर बहुत झंझट करने का मन ना करें तो
तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, झटपट से बन जाएगी और सब बहुत खुश हो जाएंगे, आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।